एपिसोड के स्टार्ट में ये बंदा कहता है, मेरा नाम है क्लाउड ज़ेफ़लिनी है, मैं सेकंड प्रिंस ऑफ लीनिय किंगडम का। वो कहते हैं कि मेरी मदर को अलग रखा गया है उनकी बीमारी की वजह से, लेकिन सच ये है कि उन्हें बंदी बना रखा है वार्डक ने। तोया कहता है, किंग लीनिय ने कुछ नहीं कहा। ये कहता है, मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं जा सकते, मुझे लगता है कि मेरी मदर मारी जाएगी अगर कुछ भी करा उन्होंने। तोया मन में कहता है, वार्डक फर्स्ट प्रिंस जो कि उसकी ब्लड लाइन का है, उसे चाहता होगा किंग बनाना। और क्लाउड से पूछता है, क्या ये पूरा मैरिज प्रपोजल? क्लाउड कहता है, वो प्रिंस को किंग बनाना चाहते होंगे एंगेजमेंट अनाउंस के बाद। तोया मन में कहता है, तो इसलिए उन्होंने सू के लिए रिश्ता भेजा। उसने शायद सू को इसलिए चुना क्योंकि वो एक बच्ची है जो उसके खिलाफ नहीं जा पाएगी। और किंग तोया से कहता है, हमें अर्जेंट मीटिंग करनी चाहिए इसके बारे में और प्रिंस क्लाउड की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में ये सभी मीटिंग करते हैं अपने अलायंस के साथ। यहाँ बाकी नेशन के किंग भी होते हैं और ये क्लाउड से पूछता है, क्या कोई नोबल है जो तुम्हारा साथ दे? क्लाउड कहता है, पहले का प्राइम मिनिस्टर मार्कस कोप, वो मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। तोया कहता है, अगर तुम सिर्फ अपनी मदर को बचाना चाहते हो तो कंट्री छोड़ के भाग भी सकते हो। क्लाउड बोलता है, मैं ऑलरेडी बहुत लोगों को सफ़र करते हुए देख चुका मेरे भाई और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उस टाइम मैं कुछ नहीं कर पाया था, ये काफ़ी लेट होगा लेकिन मैं जितना भी कर सकता हूँ वो करूँगा। और तोया सभी से पूछता है कि कौन कौन साथ देगा इसमें। सभी हाथ खड़ा करते हैं और अब तोया कहता है, हमें प्राइम मिनिस्टर को हराने के लिए कुछ सोचना होगा, वायलेंस के बिना बेटर रहेगा। और सभी किंग्स ये काम तोया पे छोड़ देते हैं। तो अब इसके बाद तोया क्लाउड को लेने लेके जाता है और साथ में एलिस, याए और कुहाकू भी होते हैं। ये सभी गायब हो रखे होते हैं तोया के मैजिक से। और क्लाउड को ये प्लान के अकॉर्डिंग रिपोर्ट देने को कहते हैं मैरिज प्रपोजल की, और पहले प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट प्रिंस को पहचानने का प्लान होता है इसका। क्लाउड अब पहुंचता है फर्स्ट प्रिंस के पास और ये कहता है, तुम काफ़ी जल्दी आ गए क्लाउड। कुहाकू बोलता है, मास्टर उस औरत के गले में देखो। और अब फर्स्ट प्रिंस जाबुन कहता है, तुम गुड न्यूज़ के साथ ही आए होगे ना? लेकिन क्लाउड कहता है, नहीं, किंग ने मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उनकी बेटी का ऑलरेडी फियांसे है। ये सुन के ये क्लाउड के चाटा मारता है और बोलता है, तुम किसी काम की नहीं, क्या तुम्हें किंग की बेटी को किडनैप नहीं कर लेना चाहिए था? उसे स्लेव कॉलर पहनाओ और फिर वो मेरी हो जाएगी। वैसे किंग की बेटी का फियांसे कौन है? क्लाउड कहता है, डची ऑफ ब्रुनहिल्ड के किंग मोचिज़ुकी तोया। जाबुन कहता है, ये तो वो नई छोटी कंट्री है ना। हे क्लाउड, बेलफास्ट वापस जाओ और एक अफवाह फैला दो कि ब्रुनहिल्ड का किंग लस्ट से भरा हुआ है और काफ़ी लड़कियों को रुला चुका, शायद इसके बाद वो मैरिज कैंसिल कर दें। ये सुन के क्लाउड इसे घूरने लगता है और जाबुन कहता है, ये कैसा लुक दे रहे हो मुझे, और इसके पेट पर लात मार देता है और फिर मारते ही जाता है। तो यह जैसे ही कुछ करने जा रहा होता है कि तभी जाबुन की मदर आ जाती है और कहती है, प्रपोजल का क्या हुआ? ये बोलता है, क्लाउड की वजह से रिजेक्ट हो गया वो, वैसे मैं बिना एंगेजमेंट के भी किंग बन सकता हूँ ना। ये कहती है, हाँ मैं वार्डक से बात करूँगी। इसके बाद तोया क्लाउड की चोट ठीक करता है और स्लेव कॉलर के बारे में पूछता है। क्लाउड बताता है कि मेरे बड़े भाई ने वह किंगडम ऑफ सेंडोरा से लिया था मर्चेंट से, और उसने ऐसा किया जबकि हमारी कंट्री में स्लेव बनाना किसी को मना है। और अब तोया उस लड़की के गले से स्लेव कॉलर निकाल देता है अपने मैजिक से। जाबुन भागते हुए आता है अब क्लाउड से पूछने के लिए कि मेरी स्लेव कहाँ पर गई। क्लाउड कहता है, पता नहीं। तभी यहाँ एक आदमी आता है। क्लाउड तोया को बताता है कि यह प्राइम मिनिस्टर वार्डक है। जाबुन इससे कहता है कि मेरी स्लेव भाग गई कहीं। ये बोलता है, तो फिर कॉलर को डिस्ट्रॉय कर दो, उसकी बॉडी मिलेगी तो उसे ठिकाने लगा दूंगा मैं। और ये वैसा ही करता है। कॉलर पूरा पिचक चुका होता है और ये देख के तोया गुस्से में आ जाता है। वार्डक कहता है, मैं जल्द ही प्रिंस क्लाउड को नॉर्दर्न किंगडम ऑफ पैलुफ में भेजूंगा। जाबुन कहता है, क्या वहाँ कोई प्रिंसेस है मेरे लिए? ये बोलता है, नहीं। और इसके बाद तो यह सभी को बताता है कि वार्डक पैलुफ के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करना चाहता है प्रिंस क्लाउड को भेज के। ये सब सुनकर याए कहती है, ये एक हैंड रिटन लेटर होगा जिससे वो भड़क जाए और जिससे फिर सेकंड प्रिंस मारा जाए वहीं पर। तोया कहता है, प्रिंस क्लाउड, अब आगे हमें प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ना होगा, क्या तुम तैयार हो इसके लिए? और क्लाउड कहता है, हाँ।
नेक्स्ट सीन में क्लाउड बता रहा होता है कि इसकी मदर को प्राइम मिनिस्टर ने गालिया फोर्ट्रेस में बंदी बना रखा है, और अब तो या यहाँ के सभी सोल्जर्स के ऊपर पैरालाइजिंग मैजिक का यूज़ करके सभी को पैरालाइज कर देता है, और क्लाउड जाके अपनी मदर से मिलता है। इन्हें साथ में देखकर यहाँ रोने लगती है, और अब तो या इन्हें यहाँ से निकाल देता है। अब पहले वाला प्राइम मिनिस्टर मार्केस बोल रहा होता है, प्रिंस क्लाउड आपने फाइनली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाने का फैसला कर ही लिया। बेलफास्ट और बाकी कंट्रीज हमारे सपोर्ट कर रही हैं, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तोया कहता है हम वायलेंस नहीं करना चाहते। मार्केस फिर बोलता है तो फिर बेस्ट सॉल्यूशन प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लेना रहेगा और प्रिंस जाबुन को किंग बनने से रोकना होगा। तोया कहता है प्राइम मिनिस्टर को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन प्रिंस के किंग बनने को रोकना। और फिर इसके बाद इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और इसके एक्सप्रेशंस देख के सब समझ जाते हैं कि कुछ ये बुरा ही आइडिया सोच रहा होगा। नेक्स्ट सीन में वार्डेक को पता चल जाता है कि क्वीन एरिया गायब हो चुकी है, और ये गुस्से में होता है जब इसे पता चलता है कि क्लाउड ने ये सब करा और उसे पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। ये तोया तभी अंदर घुस जाता है, और अभी यहाँ वार्डेक क्वीन से बोल रहा होता है कि हमें किंग को क्वीन एरिया का सहारा लेके धमकाना होगा जिससे वो जाबुन को किंग बना दे। हमें पावर चाहिए किंग की, मार्कस जैसे लोगों को दबाने के लिए। और फिर कहता है जाबुन के किंग बनने के बाद किंग और क्लाउड दोनों को मरवा देंगे। तोया ये सब अपने स्मार्टफोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है, और तभी इसे ये पता चलता है कि जाबुन किंग और क्वीन डाकिया का नहीं बल्कि क्वीन डाकिया और वार्डेक का बेटा है। ये सब तोया बाकियों को दिखाता है, और जब क्लाउड को पता चलता है कि प्रिंस जाबुन से ये रिलेटेड नहीं है, ये कहता है मैं अब अपनी कंट्री और पेरेंट्स के लिए इन गद्दारों से लड़ूंगा। इसके बाद तोया ये सब लेने के किंग को भी बता देता है, और अब किंग सभी को बुला के अनाउंस करता है कि अब यहाँ का नया किंग चुनने का टाइम आ गया है, और वो होगा फर्स्ट प्रिंस क्लाउड जेफ लेनी है। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तोया क्लाउड को आगे जाने को कहता है, तभी पीछे से वार्डेक और जाबुन आ जाते हैं। वार्डेक कहता है फर्स्ट प्रिंस को किंग बनना चाहिए, और ये ट्रेडिशन किंग भी नहीं बदल सकते। किंग कहता है इसलिए मैंने क्लाउड को किंग बनाया। क्वीन डाकिया कहती है जाबुन को किंग बनना चाहिए, वो फर्स्ट प्रिंस है। और ये सुन के किंग इस पर चिल्लाने लगता है और तोया को बुलाता है। तोया सभी को वो रिकॉर्डिंग दिखा देता है, और वार्डेक और इन दोनों का पर्दा फाश हो जाता है। और किंग बोलता है अब जब क्वीन एरिया सेफ है मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से हटाता हूँ। जाबुन कहता है वार्डेक और मेरी मदर ने सब प्लान किया था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। लेकिन किंग इन सभी को मारने का ऑर्डर देता है, और तोया भी कहता है अब तुम सब क्रिमिनल्स हो और तुम्हारा टाइम आ गया है पे करने का। जाबुन बोलता है याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हारी कंट्री और वहाँ की लड़कियों को बर्बाद कर दूंगा। और तोया ये सब सुन के इस पर शूट करने लगता है, और दो तीन गोलियों के बाद जाबुन डर के मारे बेहोश हो जाता है। किंग अब इनकी मौत का फैसला क्लाउड के ऊपर छोड़ देता है। क्लाउड अब मार्केस को फिर से प्राइम मिनिस्टर बना देता है, और उन सभी लोगों को जो वार्डेक से जुड़े हुए थे यहाँ से निकाल देता है, और डाकिया वार्डेक और जाबुन को सेंडोरा के स्लेव ट्रेडर्स को बेच देता है। और तोया अब कह रहा होता है ये मैटर ख़त्म हुआ, अब फ्रेम गियर पर फोकस कर सकता हूँ मैं। और तभी पीछे से सू आ जाती है और इसके ऊपर कूद जाती है, और फिर इसे थैंक्स बोलती है इसकी उस प्रिंस से शादी रोकने के लिए। फिर ये कहती है क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तोया मन में कहता है बाकी लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं इससे, सू को मैं अपनी छोटी बहन जैसे देखता हूँ, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और सू से कहता है मैं 18 साल का होने के बाद ही करूँगा तुमसे शादी। और ये सुन के सू काफ़ी खुश हो जाती है और इसे हक कर लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।